अन्यथा ऐसे नेताओं को जिताने से क्या फायदा जो हमारी बहनों को हमारी बेटियों को सरेआम उनका बलात्कार करके उनकी हत्या करके निर्दोष साबित हो जाते हैं। आदमी अगर भेड़ पालता है ना तो उससे ऊन उतारता है। सरकार कोई भी आ जाए, सरकार का काम है भेड़ से ऊन उतारना। यार बीजेपी में गुंडागर्दी हो रहा है, यहाँ पर अनुभक्त ज्यादा है। पैसे खर्चा करके हम लोग अभी अगली पीढ़ी का खाएंगे हमारी। जो राम को लाए हैं और हम उनको लाएंगे और एक बार यूपी में फिर से बनवा ले आएंगे। पढ़ाई का इनने मुद्दा कुछ नहीं करा, लिखाई का कुछ नहीं करा, श्री राम को लाएगा। इतने मंदिर है कहाँ कहाँ पूजा करेगा ये? तो हम रोटी खा रहे, वो कचरी रोटी खा रहे हैं। जहाँ राम मंदिर बना कितने गरीबों के घर टूटे, कितनी दुकानें टूटी, ये बात करी नहीं। नमस्कार, चेतना मंच देख रहे हैं आप। मेरा नाम संजय यादव है। इस वक्त हम नोएडा के एक क्षेत्र में है जहाँ पर जानने ये आए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम इस बार 400 पार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 के पार जाएगी, तो कितना संभव है? लोग क्या सोचते हैं, लोग किसको वोट करने वाले हैं, ये जानने के लिए आए हैं। और जमीनी हकीकत पे जो काम हुआ है इन लोगों के बीच में हुआ है, तो यही लोग बता पाएंगे कि काम के नाम पे वोट पड़ेगा, आराम के नाम पे वोट पड़ेगा। आखिर मुद्दा क्या है 2024 के इलेक्शन का? 2024 के इलेक्शन का मुद्दा है कि जनता से सीधा संवाद नेताओं को रखना चाहिए। जिस तरह से कोरोना के बाद जनता किस तरह से पीड़ित हुई है और दुखद घटनाएं हुई हैं, हमारी माताएं बहनों के साथ अत्याचार अनाचार बढ़ रहा है, हम तो चाहते हैं कि जनता अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर, जिस किसी को भी मत करे तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर करे। अन्यथा ऐसे नेताओं को जिताने से क्या फ़ायदा जो हमारी बहनों को और हमारी बेटियों को सरेआम नहरों में फेंक देते हैं और सरेआम उनका बलात्कार करके उनकी हत्या करके निर्दोष साबित हो जाते हैं। जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान, अटल जी ने उसमें एक नया आयाम जोड़ा था जय विज्ञान, लेकिन इसके हिसाब से अभी आज जो हमारे मोदी जी ने किया है बहुत काम सही किए हैं, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं वो गलत कर देते हैं, जिससे मतलब सरकार की छवि खराब होती है। वैसे मोदी सरकार ठीक है। तो 2024 में कौन आना चाहिए? हमारे हिसाब से तो मोदी जी ही आना चाहिए, आगे फिर जनता जिसे चाहेगी वही आएगा। कांग्रेस पार्टी आपको मजबूत दिख रही है पहले के अकॉर्डिंग? अब मेरे हिसाब से तो कहीं भी मजबूत नहीं लग रही है इस समय, लेकिन हो सकता है भाई, जनता का मूड क्या है। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कुछ कारण? जीतने का यही कारण है कि हमारे प्रभु श्री राम, जिनका मंदिर नहीं बना था उन्होंने बना के खड़ा किया, और लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे कानून बनाए कि यदि कोई किसी को सताता है तो इस गवर्नमेंट में, जो कि हम एक सत्य बात कह रहे हैं कि इस सरकार ने जो अन्याय किसी के साथ करता है, अत्याचार करता है, तो तुरंत एक्शन होता है, इससे हम बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की सरकार है, तो आपको कैसा लग रहा है? हम तो कहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक योगी जी रहेंगे। लोगों का हुजूम है, लंच का टाइम है, लोग खाना खाने के लिए निकले हैं, लेकिन इसी में से थोड़ा सा उनका टाइम लेंगे और जानेंगे कि देश का माहौल क्या है। अगर जो चारों तरफ कैमरा घुमाएं तो आपको ये मेहनती लोग दिखेंगे जो कि कुछ समय के लिए बाहर निकले हैं। इन्हीं बीच में बात करते हैं और माहौल जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण दुबे। क्या लग रहा है आपको 2024 का माहौल? मोदी जी आएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुमित कुमार। क्या काम करते हैं? एक्सपोर्ट में सर, सिलाई का काम। सिलाई काम करते हैं। बताइए कौन सी सरकार बढ़िया? हमारे समझ में सबसे बढ़िया है बीजेपी। बीजेपी जी क्यों बढ़िया बीजेपी? और क्या सर, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, बिना क्रीम के, बिना क्रीम लगाए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। नेता कौन सा बुरा होता है? कौन सा नेता बुरा होता है? नेता ने हमारे लिए क्या किया, किस नेता ने हमें फायदा पहुंचाई, किस चीज से पहुंचाई? सारे का सारा पैसा मेरा, ठीक है, और हमें उल्टा रुआब देखना पड़ता है। पुलिस प्रशासन सब हमें झाड़ती है, गरीब आदमी की सुनता कौन है? आप अगर न्यूज ये दिखा रहे हो, कोई भी अगर गरीब आदमी की सुनता हो, भ्रष्टाचार है कहाँ नहीं? मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? किस जगह भ्रष्टाचार नहीं होता? ये जितनी जनता खड़ी ये सब भ्रष्टाचार के शिकार होते, लेकिन ये आपसे कह नहीं सकते। क्यों नहीं कहते? उससे कुछ होगा नहीं। कांग्रेस के अकॉर्डिंग बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएगी? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सरकार कोई सी भी हो, यानी हिंदी भाषा में समझो, देसी आदमी देसी समझाऊंगा, आदमी अगर भेड़ पालता है ना तो उससे ऊन उतारता है। सरकार कोई भी आ जाए, सरकार का काम है भेड़ से ऊन उतारना। यार आप क्या रोक लोगे? वो बात ठीक है आपकी, लेकिन हाँ। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर पाई या नहीं? मुद्दा तो ये भी है, वो कहते हैं कि हमने कैशलेस कर दिया है, तमाम चीजें डिजिटल हो गई है, पारदर्शिता बढ़ गई है, गुंडागर्दी हो रहा है, बीजेपी में गुंडागर्दी हो रहा है, हर सरकार में गुंडागर्दी हो रहा है, राज जबरदस्ती सताना, गुंडागर्दी, बदमाशी करना। बीजेपी में यही है कि जबरी हड़काना, चमकाना, दमंगाईबाजी करना, यही सब होता है, और क्या हो रहा है।
दबंगई वाले। हम काम करते हैं लेबराना का। तो योगी महाराज तो कहते हैं कि हमने माफियाओं को अंदर कर दिया है, चीजें सामने माफियों को अंदर कर दिए है, लेकिन जो फालतू माफी। सर मेरा कहना है जो राम को लाए हैं और हम उनको लाएंगे और एक बार यूपी में फिर से बकवा ले रहेंगे। जय जय श्री राम। टाइट होना चाहिए, हर जगह कानून टाइट होना चाहिए और कोई भ्रष्टाचार, कोई गुंडागर्दी, कोई अत्याचार, रेप और गुंडागर्दी, मर्डर, इस सब मोहब्बत सबत कम पाप अत्याचार होना चाहिए। राम के नाम पे वोट होना चाहिए या काम के नाम पे? काम के नाम पे, काम के नाम पे वोट होना चाहिए, क्योंकि हमें उन्होंने बहुत लाभ मिला है। क्या लाभ मिला बताओ? बहुत कुछ लाभ मिला है, कर्जे का संस्थान मिला है, आने जाने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लूटागर्दी नहीं हो रहा। मोदी ने सारा को सब कुछ बेच दिया, देश पे इतना कर्जा कर दिया, हम पे हम लोग अगली अगली पीढ़ी क्या खाएंगे हमारी, बताओ हैं? देश पर राम श्री राम क्या आएंगे? राम श्री राम इतने आदमी मरे, राम श्री राम कहां से लाएंगे? तो राम श्री राम है, देश पे इतना कर्जा। अरे कर्जा ही किया, क्या माफ नहीं किया है कर्जा मोदी ने? किसको क्या नहीं दिया? अरे अरे यार क्या बात करते हो आप, क्या नहीं दिया मोदी ने बताओ? क्या कितना कर्ज है तुम पे बताना, तुम पे कितना कर्जा है बताना जरा। अरे तो हम रोटी खा रहे, वो कर्जा ही रोटी खा रहे यार, रोटी कर्जा खा रहे हम, रोटी खा रहे आपने पैसे लेने आए हैं। भैया मैं बताऊं आपको, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कम है, समझ रहे हो नी? यहाँ पर अनभक्त ज्यादा है, इसीलिए भ्रष्टाचार ज्यादा है यहाँ पे। इन दोनों में से अनभक्त कौन लग रहा है? अनभक्त जो है, इसे पढ़ाई का इनने मुद्दा कुछ नहीं करा, लिखाई का कुछ नहीं करा, श्री राम को लाएगा, इतने मंदिर है कहाँ कहाँ पूजा करेगा ये? हिंदुस्तान में कम है मंदिर, ये बताओ पहले। पढ़ाई की बात करी इनने, बोलो ये जित ओ भाइयों, जितने लोग खड़े पहले तो बात सुन लो, समझ लो, भ्रष्टाचार होता कहाँ से, उस बात को समझो नेता करते। अरे भैया पहले बात को सुन लो, समझ लो, शोर शराबा बाद में करो। ऊपर कुर्सी पे जितने भी लोग बैठे, पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे हैं सब, अगर जो कुर्सी होते वो तो शिक्षा की बात करते। अच्छा, मतलब कुर्सी पे बिना पढ़ा लिखा आदमी बैठता, सब बिना पढ़े लिखे हैं, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि कुर्सी में पढ़े लिखे लोग। अगर बीजेपी में जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है, बीजेपी में जो भी नेता चला जाए। मनमोहन सिंह की किताब लिखी हुई स्कूलों में चलती है, पूछा मोदी की कौन सी किताब लिखी हुई चलती है स्कूलों में? मनमोहन सिंह कैसा है? पढ़ा लिखा है, मनमोहन मोदी पढ़ा लिखा है। यूपी से पढ़ाया गया। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा साइड दे देंगे तो सही से विजुअल रिकॉर्ड हो पाएगा। थोड़ा सा साइड दे दीजिए, थोड़ा सा साइड इस वाले एरिया को खाली रखिए, है ना, यहाँ मत घेरिएगा, दिक्कत हो रही है। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से पढ़ाई किया? सर हमने शहजानपुर से पढ़ाई की है। हाँ तो अब बताओ कि राम के नाम पे वोट क्यों होना चाहिए? राम के नाम पे वोट इसलिए होना चाहिए, आज तक किसी ने भी, जो भी नेता आज तक बनाए, किसी ने ये काम किया है जो राम मंदिर को बनवाया है? जरूरी नहीं हमारे लिए राम मंदिर ही बनाया, उन्होंने ऐसे कई काम किए हैं जिससे हमें फायदा मिला है, जरूरी हम जैसे कई भाइयों। अगर ये पूछा कि जहाँ राम मंदिर बनाया कितने गरीबों के घर टूटे, कितनी दुकानें टूटी, ये बात करी नहीं, कितना पैसा लगा, वो गरीबों को मिल जाता तो आज गरीब दूर होते, रोडों पे जो गरीब रो रहा है, राम मंदिर बना है उधर कितना बढ़ गई, जो चिराग जो जिस दिए में इतना पैसा लगा है, वो दिया रात ही रात में कितना नुकसान हुआ उस दिए में, इसका है कोई हिसाब देने वाला? हाँ जी बताइए, 2024 में क्या मालूम है? जो विकास करेगा वो काम का लक्ष्य होगा, विकास होगा। कौन विकास कर रहा है अभी? कहाँ को किया 10 साल तक बीजेपी ने क्या किया? कोई विकास नहीं किया, बिल्कुल कोई विकास नहीं किया। जापान के अंदर कोई काम नहीं किया, जापान के अंदर वहाँ गोबर छूने वाले को अछूत कहा जाता है और यहाँ खाने वाले को ब्राह्मण कहा जा रहा है, ये कैसा हिंदुस्तान है? ये तो गलत टिप्पणी कर रहे हो आप, इन चीजों पे नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। कुछ काम नहीं किया, बस हिंदू मुस्लिम करके रह गया। हिंदू मुस्लिम, हमारी संस्कृति सबसे अलग है, वो संस्कृति बहुत अच्छी है, उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको रोक लिया। नहीं, भारत हमारा संसार, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ढूंढो नहीं है यार। उस पे इस योगी जी एक संकल्प है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, कहीं से आप कुछ नहीं ला सकते यार। जितने हिंदू मुस्लिम राजनेता ही बनाते हैं, हर जगह आदमी मिले 12,000 की नौकरी के लिए, हर व्यक्ति को अगर सही करते होता तो 12,000 के लिए नौकरी के लिए।